welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we are going to learning about stroke. Okay friends, so guys सबसे पहले समझते हैं स्ट्रोक क्या होता है. सो गाइज बेसिकली जो स्ट्रोक है ये हमारा ब्रेन से रिलेटेड एक कंडीशन है. बेसिकली ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है. इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हो जाता है. वो कैसे अफेक्ट होता है बेसिकली हम उसको उसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे. अभी नॉर्मली आपको स्ट्रोक से सिर्फ इतना समझना है कि ब्रेन का जो एक पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती या फिर वहाँ पर ब्लड के कुछ क्लॉट जम जाते हैं. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. सो जितने भी आप हेमिप्लीजिया के पेशेंट देखते हो, पैरालिसिस के पेशेंट देखते हो, मैक्सिमम केसेस में वो स्ट्रोक के ही कारण होता है. बेसिकली मीन्स हेमिप्लीजिया है, हेमिपैरेसिस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रोक के कारण होती है. ओके, सो अभी हमको यहाँ पर बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो मेन है स्ट्रोक की, उसको समझना है, ठीक. उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स, रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे स्ट्रोक का. ओके फ्रेंड्स, सो गाइस सबसे पहले जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है बेसिकली स्ट्रोक की, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है गाइस वो होता है सेरिब्रल इन्फार्क्शन और दूसरा पार्ट होता है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज. ओके, सो स्ट्रोक की पैथोलॉजी वो गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर. तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट लेकर के चल रहा हूं मैं सेरिब्रल इन्फार्क्शन. कि सेरिब्रल इन्फार्क्शन की वजह से मीन सेरिब्रल इन्फार्क्शन किस तरीके से हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कैसे सेरिब्रल इन्फार्क्शन होता है, ठीक. तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर ये ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली सिंपल आपको समझाने के लिए. तो इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है, तो इसको बेसिकली कुछ आर्टरी सप्लाई कर रही होती है. आप सिंपल इस तरीके से समझ करके चलिए, ये हमारी सेरिब्रल आर्टरी है, ये इसको अपना ब्लड सप्लाई दे रही है, ठीक है. तो ब्रेन को इस तरीके से ये एक जो बनाया मैंने, ये एक हेमिस्फीयर है, दूसरा हेमिस्फीयर ये वाला है, ठीक. तो अभी इसमें क्या समझना है बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया सेरिब्रल इन्फार्क्शन. तो गाइस सेरिब्रल इन्फार्क्शन कैसे होगा, मीन जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो पर्टिकुलर टिश्यू है, इस टिश्यू की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, मीन्स ब्लड सप्लाई इसको नहीं मिल पाएगी. तो ये जो ब्लड सप्लाई है कैसे नहीं मिल पाएगी, ऐसा क्या होता है गाइस, बेसिकली जितनी भी हमारी थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसीज होती हैं, जैसे कि आपका DVT हो गया और आपकी कुछ हार्ट से रिलेटेड डिसीज होती है, तो इन सब डिसीज में क्या होता है बेसिकली एक थ्रोम्बस जो होता है वो एम्बोलस की फॉर्म ले लेता है. अब थ्रोम्बस और एम्बोलस क्या होता है गाइस, बेसिकली इसको समझिए. सबसे पहले आप ये एक आर्टरी है या फिर ये एक वेन है, ऐसे समझिए आप. तो इसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ कंपोनेंट इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से. तो गाइस बेसिकली इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस. इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बस. और जब ये थ्रोम्बस यहाँ से डिटैच हो जाता है, उसके कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे उसके कारण है, अभी उसको डिस्कस नहीं करना, बस थ्रोम्बस और एम्बोलिस का मीनिंग समझना है, एम्बोलाई का. तो जब ये थ्रोम्बस यहाँ से डिटैच हो जाएगा तो बेसिकली वो इस तरीके का एक क्लॉट बन जाएगा, इस तरीके का एक फॉरेन बॉडी बन जाएगी वो, तो उसको हम एम्बोलाई कहेंगे. ओके फ्रेंड्स, अब ये एम्बोलाई जहाँ जहाँ पर जाएगा इसका नाम वैसे ही बन जाएगा. जैसे सपोज ये पल्मोनरी में चला गया तो इसको पल्मोनरी एम्बोलाई बोल देंगे, ठीक. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी डिसीज होती हैं जो कि थ्रोम्बो एम्बोलिक होती है, जैसे कि DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. हमारे जो बेसिकली काफ मसल्स होती हैं उनके अंदर जो वेन वगैरह होते हैं, ग्रेट सैफेनस वेन, तो उन सब में क्या होता है कभी कभी कुछ पेशेंट्स में उनके अंदर छोटे छोटे क्लॉट जम जाते हैं बेसिकली, जिनको थ्रोम्बस कहते हैं. तो कई बार क्या होता है कि जैसे वो ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, कुछ ज़्यादा मसाज वगैरह वो ले लेते हैं, तो क्या होता है बेसिकली वो जो थ्रोम्बस है वो वहाँ से टूट जाता है, टूट करके एम्बोलाई बन जाता है. अब ये एम्बोलाई आपका वीनस सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से निकलता हुआ है, कई बार क्या होता है कि हार्ट में ही अटक जाता है, तो आपकी हार्ट डिसीज भी हो सकती है बेसिकली कोई, कई बार पल्मोनरी में फंस जाता है, कई बार इन सब से निकलता हुआ है आपका ब्रेन में जाता है. और ब्रेन में तो मैंने अभी आपको यहाँ पर सेरिब्रल आर्टरी बताई है, इस सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जा करके फंस जाता है बेसिकली. सिंपल आप इस तरीके से मान के चलिए कि ये यहाँ पर ऐसे करके एक एम्बुलेंस आकर के फंस गया. तो जब एक एम्बुलेंस आ जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, बेसिकली जो पार्ट है ब्रेन का, इस पर्टिकुलर पार्ट को आपकी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी. जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका खराब होने लगेगा, डेथ होने लगेगी इस पार्ट की. ओके फ्रेंड्स, सो अभी हमको क्या देखना है यहाँ पर बेसिकली कि कोई भी ऐसी डिसीज जो थ्रोम्बस कोज करती हो, कोई भी ऐसी डिसीज जो एम्बोलाई कोज करती हो, उन डिसीज में आपका सेरिब्रल इन्फार्क्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. मीन्स सेरिब्रल इन्फार्क्शन ऐसी ही डिसीज के अंदर होता है.
अब गाइज मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जो ये ब्लड सप्लाई है यहाँ पर रुक जाती है। अब इस ब्लड सप्लाई के रुकने की वजह से क्या होगा गाइज, बेसिकली ब्रेन के कुछ टिश्यू होते हैं, ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर सेल्स होती हैं, तो यहाँ पर सेलुलर चेंजेस आएंगे। सेलुलर चेंजेस क्या आएंगे, बेसिकली ये जो हमारे यहाँ पर सेल है कुछ इस तरीके के से यहाँ पर सेल्स होती है बेसिकली, ठीक। इसके अंदर क्या होता है गाइज, बेसिकली इनका प्रॉपर अपना एक फंक्शन होता है कि भाई सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इन सब का आना जाना लगा रहता है, इस पर कुछ पंप होते हैं बेसिकली। ये हमारी सेल है, मैं एक प्रॉपर सेल को आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपका इस सेल के अंदर आपका सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है, मीन्स सोडियम और वाटर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर स्टोर होने लगते हैं। तो जब ये सेल के अंदर स्टोर होने लगेंगे तो इससे क्या होता है बेसिकली, ये जो सेल है इस सेल का साइज बढ़ने लगेगा, ये वाली जो सेल है इस सेल का साइज इस तरीके से बढ़ने लगेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली साइटोटॉक्सिक एडिमा। तो साइटोटॉक्सिक एडिमा होगा बेसिकली। अब साइटोटॉक्सिक एडिमा होने की वजह से क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर एक सब्सटेंस होता है ग्लूटामेट, वो सब्सटेंस रिलीज होगा, एक सब्सटेंस होता है ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट सब्सटेंस रिलीज होगा। अब इस ग्लूटामेट सब्सटेंस के रिलीज होने की वजह से क्या होता है बेसिकली गाइस, जो कैल्शियम होता है सेल के अंदर वो भी उसका भी इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, मीन्स जो कैल्शियम होता है वो भी सेल के अंदर ज़्यादा जाने लगता है। और जब ये कैल्शियम सेल के अंदर ज़्यादा जाने लगेगा तो सेल के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, सेल के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं बेसिकली, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब ये एंजाइम जब एक्टिव हो जाएंगे तो ये एंजाइम क्या करेंगे, जो सेल डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस था उसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा पर्टिकुलर टिश्यू है वो डैमेज होने लगता है, ठीक। अब बेसिकली ये सारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अब इसके साथ साथ में एक प्रोसेस और चल रहा होता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्ट है, तो हमारा जो ब्रेन होता है इसमें बेसिकली सर्कल ऑफ विलिस होता है, इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कल ऑफ विलिस की फॉर्म में होता है, मीन्स ये जो एक पार्ट है इसको कई सारी आर्टरी सप्लाई कर रहे होते हैं, इस तरीके से एनास्टमोसिस होता है बेसिकली, इन सब का आपस में जुड़ी हुई होती हैं आर्टरीज और ये सब इस पार्ट को सप्लाई कर रही होती है, जिसको हम टेरिटरीज भी करके बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको ये समझना है कि कुछ समय के लिए क्या होता है बेसिकली, ये जो यहाँ पर ऑक्लूजन आया था इसकी वजह से ये वाली जो आर्टरी है इसकी ब्लड सप्लाई रुक गई, लेकिन अभी आपकी ये दोनों आर्टरी काम कर रही है। तो कुछ समय तक तो बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, बॉडी जो है मतलब जो ब्रेन का जो टिश्यू है वो जिंदा रहता है, उसके अंदर कोई ऐसे चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जब उसकी थ्रेशोल्ड से बात निकल जाती है, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर वहाँ पर एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है गाइस, बेसिकली वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है और वो लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एक टिश्यू के लिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारा सेरिब्रल इन्फार्क्शन होता है और ये सेरिब्रल इन्फार्क्शन इस तरीके से ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस बेसिकली लगभग आपका 90% केसेस में, स्ट्रोक के 90% केसेस में या 85% केसेस में सेरिब्रल इन्फार्क्शन ही होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज की। गाइस इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज जो है वो जस्ट इसका मीन्स इससे बहुत ज़्यादा अलग है। पैथोफिजियोलॉजी जो है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज एक पैथोफिजियोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन वो इस प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या हो रहा था, ब्लड सप्लाई रुक रही थी, एक पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, सपोज ये हमारी एक आर्टरी है, यहाँ पर ऐसे ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई कर रही है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं दूसरा वाला समझा रहा हूँ जो मैंने इधर अभी ये बताया है, ये जितना भी मैंने इधर प्रोसेस बताया फर्स्ट वाला बताया है ये सब, फर्स्ट वाला मतलब सेरिब्रल इन्फार्क्शन के लिए। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज के लिए। हेमरेज का मतलब होता है गाइस कोई भी आर्टरी कोई भी वेन इस तरीके से कट जाए, जब वो कट जाती है तो उसके अंदर से ब्लड बाहर निकलने लगता है, इस प्रोसेस को हेमरेज कहते हैं। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो सेरिब्रल आर्टरी है इसमें क्या होता है हेमरेज होता है। अब हेमरेज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ब्रेन को एक आर्टरी सप्लाई कर रही है और इस आर्टरी के अंदर डैमेज हो जाए, तो जब इस आर्टरी के अंदर डैमेज होगा तो यहाँ से बहुत सारा ब्लड इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। बेसिकली इसके अंदर ब्लड है तो ये वाला जो ब्लड है इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ब्रेन के इस पार्ट को अफेक्ट करने लगेगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने लगता है, तो बेसिकली यहाँ पर सेरिब्रल एडिमा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है बेसिकली। तो सेरिब्रल एडिमा होने की वजह से यहाँ पर बेसिकली साइटोटॉक्सिक चेंजेस आते हैं, मीन सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो इस तरीके से यहाँ का भी जो पार्ट होता है वो डैमेज होने लगता है। तो जब वो पार्ट डैमेज होगा तो इस पार्ट के जो जो फंक्शन थे वो सारे चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स,
तो अभी हम बात करते हैं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज में ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, मीन्स ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले एज की। गाइज, ये वाली जो डिसीज है, जो स्ट्रोक है, बेसिकली जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि बेसिकली आर्टरीज, वेसल्स, इन सब के अंदर चेंजेस आने लगते हैं और हमारी बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो वीक होने लगता है, इम्यूनिटी वीक होने लगती है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बेसिकली। और गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, बेसिकली जो स्ट्रोक होता है ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, मीन्स जो लो इनकम वाले पेशेंट होते हैं, बेसिकली हम सिंपल कह सकते हैं जो पुअर पीपल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो लेस हेल्दी होता है, वो प्रॉपर फूड नहीं लेते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, वो मींस प्रॉपर एक डाइट नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है उनके लाइफ स्टाइल में और उनको ये डिसीज ज़्यादा होती है बेसिकली। ठीक, तो अभी यहाँ पर हमने एज की बात कर ली। अब हाइपरटेंशन, गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया सेरेब्रल हेमरेज हो रहा है, सेरेब्रल हेमरेज होने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है, जो रिस्क फैक्टर है बेसिकली, या कारण कह लीजिए आप, वो आपका हाइपरटेंशन होता है। अब सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपकी आर्टरी है, ठीक। अब इसकी एक लिमिट है कि हाँ भाई इतने स्पीड से इसके अंदर अगर ब्लड बहेगा तो ये नॉर्मल रहेगी, लेकिन जब इसके अंदर बहुत ही तेजी से और बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है तो ये आर्टरी रप्चर हो सकती है, ये आर्टरी इस तरीके से रप्चर हो सकती है, यहाँ पर हेमरेज हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल मीन्स जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, तो बेसिकली आपका हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है कोई, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ले रहा है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, बेसिकली जो ब्लड के कोगुलेशन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली ये रिस्क फैक्टर है आपका इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज का। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है आर्टीरियो वीनस माल फंक्शन, मीन जो हमारी आर्टरी हैं, वेन्स हैं, अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगी तो ये भी आपका स्ट्रोक का कारण बन सकती है। और इसे तो आप जानते हो, अल्कोहल पीने खाने वाला बंदा है, दवा के पिए जा रहा है, तो लीवर पर अफेक्ट करेगा, किडनी पर अफेक्ट करेगा, तो इन सब के कारण उसका बीपी हाई रहेगा, तो अल्टीमेटली उसको स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो पीते खाते हैं, इन द सेंस अल्कोहल पी रहे हैं जो, ठीक है, तो उनको स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपके आसपास कोई अल्कोहल ले रहा है तो आप उसको मना कर सकते हो, समझा सकते हो, ओके, छोटी सी अपील तो कर ही सकते हो, है ना। तो ये हमने देखा बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक, कि स्ट्रोक की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, किस तरीके से आपका ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट होता है, कैसे वो खराब होता है। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया बेसिकली, रिस्क फैक्टर भी हमने देख लिया इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, मीन्स यदि किसी को स्ट्रोक हुआ है तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक। तो स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है वीकनेस। वीकनेस में क्या होगा, पेशेंट को हेमीपैरेसिस हो सकता है। सपोज आपका, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ गाइस, ये ब्रेन है हमारा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट साइड अफेक्ट हुआ है, तो जो पेशेंट के फंक्शन जाएंगे ना वो राइट साइड के जाएंगे। मतलब अगर ब्रेन में अफेक्ट लेफ्ट साइड में है तो पेशेंट की बॉडी पर राइट साइड में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया वीकनेस, तो यदि किसी पेशेंट का लेफ्ट साइड में हेमरेज हुआ है, लेफ्ट साइड में सेरेब्रल इन्फार्क्शन हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो पेशेंट का आपका राइट साइड में वीकनेस आएगी बेसिकली, जिसको हम हेमीपैरेसिस कह सकते हैं, अगर आधी बॉडी के अंदर वीकनेस है तो। गाइस, हेमीपैरेसिस और हेमीप्लीजिया में डिफरेंस होता है। हेमीपैरेसिस मींस आधी बॉडी के अंदर वीकनेस आई है, हेमीप्लीजिया मींस होता है कि आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ओके, अभी हम बात करते हैं स्पीच डिस्टर्बेंस, मींस पेशेंट की स्पीच जा सकती है, विजुअल डेफिसिट हो सकता है, उसको देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, अटैक्सिया हो सकता है पेशेंट को, हेडेक हो सकता है, सीजर हो सकता है, कोमा हो सकता है, कोमा लास्ट स्टेज है गाइस। ओके, तो इस तरीके के क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं स्ट्रोक के अंदर। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि स्ट्रोक के पेशेंट के लिए हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। ओके, तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री। यदि आप पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हो तो आपकी लगभग आधी इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ पे कवर हो जाती है, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लगता है कि हाँ भाई पेशेंट को क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अभी देखना है आपको, सबसे पहले आप सीटी स्कैन कराएंगे पेशेंट का, एमआरआई करा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी हर्ट के फंक्शन देखने के लिए, ईसीजी ये भी हर्ट के लिए होता है, एंजियोग्राफी सेरेब्रल एंजियोग्राफी कराएंगे बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सेरेब्रल आर्टरी है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उसके अंदर एथेरोमा होने लगता है, उसकी जो ल्यूमन है वो
छोटी होने लगती है ना, डायमीटर जो होता है ल्यूमन का वो कम होने लगता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे हम सीबीसी, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल कराएंगे, ब्लड ग्लूकोज, ये सारी ही चीज़ें करानी होती है, क्योंकि गाइस जो स्ट्रोक है कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज है, अगर प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं होगा तो स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो अभी हम बात करते हैं ESR की। ESR कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, अगर ESR बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसके अंदर। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। गाइस बेसिकली मैनेजमेंट डिपेंड करता है एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन पर। अगर कोई पेशेंट आपका एक्यूट स्ट्रोक का है तो उसका मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, यदि कोई पेशेंट आपका क्रॉनिक स्ट्रोक का है तो उसका मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट केस की। सो गाइस यदि एक्यूट आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है तो उसमें सबसे पहले आप उसका एयरवे चेक करोगे, ब्रीथिंग चेक करोगे, सर्कुलेशन चेक करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन पर ध्यान दोगे कि भाई इसने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है या नहीं लिया है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करोगे। उसके बाद आप ड्रग थेरेपी पर आओगे। तो ड्रग थेरेपी में आप कुछ बेसिक ड्रग्स होती हैं उनको चला सकते हो गाइस, लेकिन एक्यूट केस में आप स्टेरॉइड भी दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड देना पड़ता है स्टार्टिंग केस में। सो इन्फ्लामेटरी केस में स्टेरॉइड आपका लाइफ सेविंग ड्रग साबित हो सकता है। ओके, सो इसमें सबसे पहले जो मैनेजमेंट है इसके अंदर आपके लगभग 3-4 ड्रग हैं, वो ध्यान से समझनी है। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपके बीटा ब्लॉकर्स भी आ सकती हैं, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। तो बेसिकली मेन आपका कंटेंट वो फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी बढ़ेगा तो सेरेब्रल हेमरेज होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम के अंदर बताया था। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, क्योंकि गाइस जो प्लेटलेट है अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन में रहेंगी, प्लेटलेट अमाउंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो इस केस में भी आपका बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि खून जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट आता है स्टेटिन्स, यदि किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लिपिड वगैरह बढ़ा हुआ है तो उसको भी हमें मेंटेन करके रखना है। तो ये सारे ड्रग्स चलती है बेसिकली इसके मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हो स्ट्रोक का। ये आपका कंप्लीट होता है आज का लेक्चर हमारा स्ट्रोक के। सो बेसिकली ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा GM का। सो गाइस यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।